यहाँ पे 1x1 1.25 और 18x12 इन तीन साइजेस का बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का ये पूरा लोट आप और देख सकते हैं। यह भी एवरेज 5000 स्क्वायर फीट क्वांटिटी के अंदर है, बेहतरीन लोट है। अभी आपने ये जो लोट देखा था 5000 स्क्वायर फीट का, इसका कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और आज ये मटेरियल जो है पूरा सोल्ड हो चुका है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो मटेरियल जा रहा है एक पवित्र स्थान जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जा रहा है, और जो गुरुद्वारा बन रहा है वह चंडीगढ़ मोहाली के अंदर बन रहा है, और इससे पहले भी चंडीगढ़ मोहाली के गुरुद्वारे के अंदर हमारा मार्बल पहले भी मकराना प्योर वाइट का गया है, और उन्हीं के रेफरेंस से आज फिर बाबा जी आए हैं और यहाँ पर आके इन्होंने मकराना वाइट की प्रीमियम क्वालिटी की कट पीसेस लिए हैं। उसके अलावा उन्होंने वाइट की स्लेब भी ली है। तो पूरा लोट आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि वैसे मकराना के अंदर 1 नंबर 1.25 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर वाइट अलग अलग आता है, तो यह जो लोट आप देख पा रहे हैं यह सबसे प्रीमियम क्वालिटी का है वाइट के अंदर, जो सबसे बेहतरीन है। जैसे आप लोडिंग देख रहे हैं सबसे लास्ट में पीस आ गए वह भी आपको पूरे वाइट देखने को मिल रहे हैं, जबकि इसके अंदर हल्का फुल्का स्पॉट्स आ सकता है, बट इसके अंदर रिकवरी है जो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट मकराना वाइट की स्लेब लिए और 3500 स्क्वायर फीट मकराना 1.5 से 2 नंबर वाइट भी इन्होंने कम प्राइस रेंज के अंदर लिया है, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग मार्बल लगना है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा मार्बल लिया है। एवरेज इन्होंने पूरा 10000 स्क्वायर फीट मार्बल हमारे से परचेज़ किया है। और सबसे बड़ी खास बात होती है जो है गुडविल, और हमारे को इस बात की खुशी है कि साल भर पहले जो चंडीगढ़ मोहाली का गुरुद्वारा बना था वहाँ हमारा मार्बल गया, और उन्हीं के रेफरेंस से फिर एक जो हमारे यहाँ पे कस्टमर आए, तो ये हमारे लिए काफ़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि हमारी कोशिश यह रहती है कि कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करवाएं, और यहाँ पे तो गुरुद्वारे का मार्बल जा रहा है तो जितना बेटर हो सकते वह हमने काम किया है। रिजनेबल प्राइस के अंदर बेहतरीन लोट हमने पूरी देने की कोशिश की है। वैसे वाइट की बात करें, अगर इस लोट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने साइज़ दी थी 1x1 1.25 1.5x12, उसके अलावा 1.25 1.25 1.15x15, ये एवरेज जो है 400 के आसपास मटेरियल दिया था। और लोडिंग आप पूरी देख पा रहे हैं, और जैसे हमारे कस्टमर है पूरी लाइनिंग की काउंटिंग कर रहे हैं, और पूरा टोटल मार्बल है जो काफ़ी अच्छा मटेरियल था जो पूरा लोड हो चुका। उसके बाद में जो नंबर आती है मकराना वाइट की स्लैब, जो आप ये लोडिंग देख पा रहे हैं इसके अंदर जो स्लैब है 5x2 एंड, मतलब 5x2.5 की स्लैब है, और 1000 स्क्वायर फीट क्वांटिटी है। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो अबाउ 1000 की रेंज के अंदर वाइट की स्लैब लिए, जो आगे से पीछे तक सिमिलर नहीं आती है। आप अगर वाइट ये सोच के लेते हैं कि आगे से पीछे तक बिल्कुल सेम आएगा तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वाइट अगर आप स्लेब लेते हैं तो उसके अंदर आपको 60, 70 या 80% रिकवरी मिलती है, जिसके अंदर पीछे के साइड में थोड़े बहुत ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आए बिना रहते ही नहीं है। तो आप ये अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि अगर आप वाइट की स्लेब लेते हैं तो आगे से पीछे तक सेम आता है, ये थोड़ा सा पॉसिबल मकराना के अंदर तो नहीं है। बट क्वालिटी जो आती है अबाउ 90% कैल्शियम आता है, वाइटनेस काफ़ी बेहतरीन रहती है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, लाइफ टाइम वैसा ही रहती है, वाइटनेस अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ती ही है। तो अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो अदर क्वालिटी से यह क्वालिटी हमेशा के लिए बेटर है, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर मोस्टली यूज़ में होता ही है, और आप इसे घर के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। स्लेब की आप लोडिंग भी देख पा रहे हैं। लोडिंग की क्लिप में हर बार इसीलिए दिखाता हूँ कि आगे का एक पीस जज करके कभी भी प्राइस का आइडिया ना लगाएं। लोडिंग पूरी देखते हैं तो आपको एक्चुअल आइडिया ये हो जाएगा कि क्वालिटी किस तरीके से हम मेंटेन करके चलते हैं, ताकि आप भी अपने घर के लिए मार्बल परचेस करते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी है और मकराना मार्बल की जो भी क्वालिटी आप चाहिए तो आप ये श्योर होकर मार्बल परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं कि जो क्वालिटी हम परचेस कर रहे हैं वही हमारे को मिलेगी, और उसके अलावा जो हमारे को कंडीशन बताई जा रही है वैसी ही मिलेगी। ये जो आप छोटा लोट है ये एवरेज 200 के आसपास का था या 250 का था, तो इसकी वाइटनेस और क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, लोडिंग होते हुए देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी वाइटनेस के साथ में ये लोट था। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, जिसे ओरिजिनल संगमरमर कहा जाता है, जो मकराना मार्बल की माइन से निकलता है वही ये पूरा मटेरियल है, जिसकी खूबसूरती अगर आप वाइट गोल्ड की बात करते हैं तो यह मकराने का एक्चुअल में वाइट गोल्ड है, जिसकी यहाँ पर अलग ही वैल्यू है और काफ़ी फेमस भी है।
क्योंकि अगर आप कहीं पे भी पुरानी जगह देखते हैं, ताजमहल, विक्टोरिया, और भी कई जगह हैं, मंदिर है, मस्जिद है, तो वहाँ पे यही मटेरियल आपको लगा हुआ देखने को मिलता है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कम थी, हो सकता है उस टाइम पे क्वालिटी डाउन थी, बट अभी जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल आने लग गया है। और ये मटेरियल लग जाता है तो चार चांद लगा देता है, काफ़ी अच्छी खूबसूरती आपको निकाल के दे देता है। मेरी नज़र में काफ़ी बढ़िया लोट हमने दिए हैं और कस्टमर भी हमारे साथ में सेटिस्फाई है। काफ़ी अच्छा इनसे एक रिलेशन भी मिला है, बाबा जी खुद आए हैं, उनका आशीर्वाद भी मिला है, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और यही दुआ करता हूं कि आप सभी इसी तरीके से हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उसके बाद में एक लोट यह भी लोडिंग किया जा रहा है जो आप क्वालिटी देख पा रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है, अगर आप वाइटनेस देखते हैं तो आप फेन हो जाते हैं। अभी आप हल्का सा स्पॉट्स देख पा रहे हैं, तो ये इसका नेचर है। और यह है मकराना वाइट के अंदर आए बिना रहता नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इतना हैवी भी नहीं आता है, बट ओवरऑल छोटा मोटा आ सकता है, जिसे लगाते वक्त आप थोड़ा सा रेडी करके लगा दो तो वह बढ़िया लगता है। और पूरा लोडिंग हो चुका है और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में थोड़ा सा डेढ़ नंबर से दो नंबर वाइट लोड हो रहा है जो अबाउ 100 के रेंज में था। कंप्लीट काम होने के बाद में सबके साथ में पिताजी की जो आप तस्वीर है वह देख पा रहे हैं, तो इनसे मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लगा। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।